हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाइड लाइट। तो ये है हम ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो न्यू, एंड बुलेरो न्यू जो है ये बुलेरो का एक नया वेरिएंट नहीं है दोस्तों, ये कम्प्लीटली एक न्यू कार है। तो जैसे आपको बुलेरो में B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल मिलते हैं, यहाँ पे आपको चार वेरिएंट्स मिल जाते हैं बुलेरो न्यू में, जो है N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल। यहाँ पे आपको बुलेरो से कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, और बेसिकली ये TUV 300 का फेसलिफ्ट है जिसको लॉन्च करा गया एज अ बुलेरो न्यू। तो ये फेसलिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं, आपको लुक पहले से ज़्यादा बोल्ड मिल जाती है, कहीं एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी में, कहीं ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी, 20 Nm एक्स्ट्रा टॉर्क यहाँ पे दिया गया। सो दोस्तों बुलेरो जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल SUV है, अभी तक इसके 1.3 मिलियन यूनिट सेल हो चुके हैं, यानी कि 13 लाख यूनिट से भी ऊपर इस कार के सेल हो चुके हैं। एंड फर्दर मोर जो इसकी एवरेज मंथली सेल है, यानी कि हर महीने जो इसकी एवरेज सेल है वो है 7000 यूनिट, विच इज़ ट्रूली रिमार्केबल। सो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं महिंद्रा बुलेरो न्यू का डिटेल वॉक अराउंड, बात करने का कैसा स्पेस है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सो ऑन। चैनल पर फर्स्ट टाइम फटाफट सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये है महिंद्रा बुलेरो नियो का फ्रंट फेशी, आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड करेगी, ये काफ़ी ज़्यादा माचो एंड मस्कुलर लुक ही कार ऑफर करती है। आपको यहाँ पे बहुत ही टॉल स्टांस भी मिलता है, आप देख सकते हैं कार की जो हाइट है वो काफ़ी बिग साइज़ की आपको मिलेगी। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो साइड में कम्प्लीट बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है, जो कि अगेन एक टॉल स्टांस ऑफर करती है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट ऑफ फ्रंट गाइज, यहाँ पे आपको LED डेटम रनिंग लाइट्स मिलती हैं, नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है, हाई बीम एंड लो बीम आपको दोनों ही हेलोजन में मिलेगी। एंड फर्दर मोर इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी मिलेगा, साथ में यहाँ पे स्टार्टिंग बेंडिंग हेडलैम्प फंक्शन भी दिया गया, जो कि है बेसिकली कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन, और ये है फ्रंट ग्रिल। सो काफ़ी यहाँ पे मस्कुलर फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, ओवरऑल जो बम्पर का डिज़ाइन दिया गया है, ओवरऑल जो कार का आपको बोनट मिलता है, एंड जहाँ पे भी जिस भी एंगल से आप कार को देखते हैं आपको बहुत ही यहाँ पे स्टर्डी डिज़ाइन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अवेलेबल है फॉग लैम्प्स, एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। सो साइड में यहाँ पे जो फ्रंट फेंडर पे यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर विंग मिरर्स अवेलेबल है विदाउट टर्न इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे इस मॉडल में, और यहाँ पे आपको 15 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, इट इज़ 215x75 R15। फ्रंट में यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रियर में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएगी, यहाँ पे हाई ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है, तो ईजी इन एंड आउट के लिए यहाँ पे फुट स्टेप भी दिया गया, तो यहाँ पे आप अपना फुट जो है वो रख के कैबिन में इन एंड आउट इजीली आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के पिलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर यहाँ पे डोर हैंडल अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सलेंट स्टाइलिंग दी गई है। देन दिस इज़ द रियर प्रोफाइल विच इज़ द बेस्ट, यहाँ पे आपको बहुत ही स्पोर्टी स्पॉइलर मिल जाता है। फर्दर मोर लिव यंग लिव फ्री जो है महिंद्रा का स्लोगन, रियर में डिफॉगर अवेलेबल है, वाइपर आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिलता है फुल साइज, जो कि है स्टील व्हील नॉट अलॉय, और यहाँ पे आपको व्हील कैप मिलती है बुलेरो की बैजिंग के साथ, यहाँ पे बुलेरो नियो की बैजिंग। रियर में यहाँ पे 4 सेंसर्स भी अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे N10 वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी। देन रियर में भी फुट स्टेप एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको हेलोजन में मिलती है। और ये है बूट स्पेस, सो बेसिकली यहाँ पे आपको गाइस 7-सीटर ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे 3%, फ्रंट में 2%, यहाँ पे 2%, विच मीन्स 7-सीटर, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ 7-सीटर ऑप्शन ही मिलेगा, यहाँ पे 6-सीटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप फर्दर यहाँ पे बूट स्पेस चाहते हैं तो इन सीट्स को कुछ ऐसे आप फोल्ड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई पर्सन अकोमोडेट होना चाहते हैं तो आप इन सीट्स को कुछ ऐसे आप डाउन भी कर सकते हैं लाइक दिस। एंड फर्दर मोर गाइज, ये वाली जो सीट्स है ये भी फोल्ड डाउन हो जाती है, तो हम इनको ऐसे कुछ फुल डाउन कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा कार्गो एरिया चाहिए तो। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे जो ये थर्ड रो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पे जो विंडोज़ है वो भी ओपन कर सकते हैं। सो ये नॉर्मल बुलेरो में पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन आप यहाँ पे स्कॉर्पियो में भी एंड बुलेरो न्यू में भी कुछ ऐसे विंडो ओपन कर सकते हैं, तो विंडोज़ इतनी ही ओपन हो सकती है। आप यहाँ से बाहर से देख सकते हैं इतना गैप रहता है, एंड दोनों ही विंडोज़ ही ओपन हो जाती है। एंड अब अगर बात करें स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में, तो हम इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया, इसको हम होल्ड करके इजी इन एंड आउट यहाँ पे कैबिन में हम कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा नीज अप पोजीशन में बैठा हूँ, ये जो सीट्स है दैट इज़ बेसिकली फॉर शॉर्ट हाइट पीपल और फॉर चिल्ड्रंस,
सो यहाँ पे जो किड्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑल दो हेडरूम जो है वो काफ़ी बढ़िया अवेलेबल है, यानी कि डिसेंट हेडरूम मिल जाता है, एंड जो शॉर्ट जर्नीज है वो यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड रूम में एक्सेस करना इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। यहाँ पे 5-5, 5-6 का पर्सन जो है वो इजीली यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ लेग रूम अवेलेबल है। हेडरूम आप देखेंगे सो ये जो थर्ड रो है एक हेल्दी 5-6 के पर्सन के लिए भी कंफर्टेबल मिलती है। यहाँ पे आपको एक स्मॉल सी पॉकेट भी मिलती है, सो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी थॉटफुल कि यहाँ पे पॉकेट भी दी गई है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ और ऑनर प्राइस के बारे में, कलर ऑप्शन के बारे में, एंड सो ऑन। सो बोलेरो नियो पे अवेलेबल है 3 years 1 lakh किलोमीटर्स की वारंटी, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 years 1,50,000 किलोमीटर्स तक। और बोलेरो नियो की बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे लेटर फ्रेम शासी दी गई है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, सो डायमेंशन कंपैरिजन आप देख सकते हैं। साथ में बोलेरो नियो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर्स, बूट स्पेस आपको मिलता है 384 लीटर्स का, और टर्निंग रेडियस है 5.35 मीटर्स का। और इस वेरिएंट में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये हैं सारे सेफ्टी फीचर्स इस मॉडल के। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो है डायमंड वाइट, रॉकी बेज, नेपोली ब्लैक, मैजेस्टिक सिल्वर एंड हाईवे रेड कलर। सो गाइस बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इन कंपैरिजन के बारे में। फर्स्टली बोलेरो नियो एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको सिंगल इंजन मिल जाता है जो है एमहॉक 100 1.5 लीटर इंजन, एंड ये सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल है, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। सो दिस इज द इंजन। यहाँ पे काफ़ी अच्छे साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, फायरवॉल पे भी यहाँ पे हीट इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। तो ओवरऑल जो कैबिन है यहाँ पे, जो इंजन है, जो ज़्यादा हीट होगा तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप देखेंगे इसके नीचे, सो यहाँ पे आपको कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन गार्ड मिल जाता है। सो यहाँ पे BS6 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है, जिसकी पावर है 100 bhp एंड टॉर्क यहाँ पे अवेलेबल है 260 nm का। यहाँ पे आपको सिर्फ 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, एंड इसकी जो माइलेज है दैट इज 17.29 km/h। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी मिलता है, विच इज़ माइल्ड हाइब्रिड और माइक्रो हाइब्रिड। और पुरानी TUV300 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको 20 nm ज़्यादा टॉर्क मिल जाएगा। सो इंटीरियर्स में फीचर चेक करने से पहले बात करते हैं हाउ गुड इज़ द स्पेस एंड कंफर्ट। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे जो आपको विंडोज मिलते हैं दे आर सुपर लार्ज, तो कैबिन काफ़ी ओवरऑल स्पेशियस मिलेगा। एंड यहाँ पे आप फ्रंट सीट्स में एंट्री एंड एग्जिट देख सकते हैं, बहुत ही हमें ईजी मिलती है। और इवन काफ़ी हाइट पर जो सीट्स हैं वो दी गई है, काफ़ी अपराइट पोजिशन में दी गई है। जब हम यहाँ पे कार को ड्राइव करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोनेट विजिबल है, बोनेट बहुत लॉन्ग नहीं दिया गया, बहुत ही शॉर्ट बोनेट है, लेकिन वो विजिबल रहता है और आपको काफ़ी एक बढ़िया व्यू मिल जाता है वाइल ड्राइविंग द कार। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे हाइट दी गई, जो फ्रंट सीट्स है वो काफ़ी बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट ऑफ हो गई है, बैक सपोर्ट भी काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाता है ओवरऑल। बात करते हैं सेकेंड रो के बारे में, सो ये है सेकेंड रो। सो फ्रंट सीट्स मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है, जो है दोस्तों 5'11" अप्रॉक्सीमेटली। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें लेग रूम मिलता है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है। हेड रूम तो दोस्तों बहुत ही आपको एम्पल अमाउंट में मिलेगा। जो ये सेकेंड रो सीट दी गई है यहाँ पे जो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है ये फ्रंट सीट से भी ज़्यादा बेटर दिया गया है। एंड यहाँ पे 3% ईजिली अकोमोडेट हो सकते हैं इन सीट्स पर। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडरेस्ट अवेलेबल है, हेडरेस्ट काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है, दो हेडरेस्ट मिल जाती है, सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है। सो सेकेंड रो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है, और ये थोड़ी अपर पोजीशन पे, यानी कि जो ये वाली सीट्स है ये थोड़ी लोअर पोजीशन पे है कंपेयर टू ये सीट्स, तो ये सीट्स अपर पोजीशन पे है। यहाँ पे आपको बैठ के लगेगा यू आर लाइक किंग ऑन द रोड। सो कंफर्ट सेकेंड रो में काफ़ी बढ़िया दिया गया है। सो आप चेक करते हैं इंटीरियर्स, एंड जो ऑनरोड प्राइस है हर एक मॉडल का वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड फर्दर मोर गाइज आपको कुछ ऐसी यहाँ पे दो कीज़ मिल जाती है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की अवेलेबल है, एक आपको रिमोट की मिलेगी, दोनों ही फोल्ड कीज़ दी गई है।
तो अब कार को भी टर्न ऑन कर लेते हैं। अभी हमें कीरिंग भी इल्यूमिनेटेड मिलता है, तो नाइट में कीरिंग काफ़ी ज़्यादा इजीली विजिबल रहेगा। सो ये है डैशबोर्ड के लुक। यहाँ पे डुअल डोर इंटीरियर्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर की कारपेटिंग मिलती है, रूफ यहाँ पे बेज कलर में दी गई है। एंड दोस्तों इवन यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो हम यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दीज आर द फ्रंट सीट्स, सो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है इन डुअल टोन पैटर्न। एंड यहाँ पे वेलकम फंक्शन महिंद्रा का, एंड सो ऐसे हमें यहाँ पे कुछ वॉइस कमांड्स भी मिल जाते हैं, विच इज़ रियली वेरी नाइस। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट देर इज़ सम अमाउंट ऑफ स्पेस जहाँ पे आप अपना फीट रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स एंड ओबीडी पोर्ट मिल जाता है। ये है गाइस ESS यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो है माइक्रो हाइब्रिड। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है। देन ये है इको मोड, तो यहाँ पे आप इको मोड तो यहाँ पे आपको माइलेज काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। देन यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर दिया गया है। दिस इज़ फॉर द विंग मिरर, सो विंग मिरर्स हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं बट हम फोल्ड नहीं कर सकते। एंड देन यहाँ पे आप रियर सीट्स भी देख सकते हैं, और फ्रंट में यहाँ पे टू एडजस्टेबल आर्मरेस्ट अवेलेबल है इंडिविजुअल। और ये है फ्रंट डोर के लुक। सो यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। देन यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट अवेलेबल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लॉसी ग्रे एसेंट्स का यूज़ करा गया है। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलेगा। पावर विंडोज़ यहाँ पे नहीं मिलती, वहाँ पे सेंटर में दी गई है। सो लेट्स चेक दैट, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, तो यहाँ पे भी आप अपना नॉर्मल स्टफ़ प्लेस कर सकते हैं, स्मार्टफोन भी आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया एरिया अवेलेबल है। और गाइस ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स। यहाँ पे दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ऑफर करी जा रही है, बट टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलती। देन लेफ्ट साइड वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल्स। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे जो अवेलेबल है दैट इज़ द सेम जो कि हमें महिंद्रा थार में मिलता है। तो सेम यहाँ पे इंटरफेस दिया गया है, बट आपको इसको एडजस्ट यहीं से करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको डुअल ट्रिप मीटर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक एंड ट्रिप मीटर। यहाँ पे एवरेज स्पीड भी शो करते हैं 14 किलोमीटर पर आवर, एंड इंजन रनिंग टाइम भी। यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल लाइव स्पीड। यहाँ पे कई सारी आपको वार्निंग भी मिल जाती है, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लॉक सेटिंग मिल जाएगी। सो यहाँ पे ये सारी गाइज यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द इंफोटेनमेंट यूनिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ करा गया है, एंड इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। यहाँ पे आपको जो भी कंट्रोल्स मिलते हैं दे आर एल्यूमिनेटेड। यहाँ पे भी सारे आपको एल्यूमिनेटेड मिलेंगे। स्विचेस यहाँ पे भी इवन एल्यूमिनेटेड दिए गए हैं, और इवन जो रियर पावर विंडो कंट्रोल्स है वो भी आपको मिलते हैं एल्यूमिनेटेड, जो कि काफ़ी नाइस टच है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट रेडर्स। सो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंचेस का, जो कि सपोर्ट करता है USB, AUX, ब्लूटूथ, रेडियो। यहाँ पे आपको कुछ कार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सो डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। देन अलर्ट्स, DRL को भी हम यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और ई मैनुअल आपको यहाँ पे मिल जाता है। रेडियो फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। कार इन्फो हम चेक कर चुके हैं, देयर आर सम सेटिंग्स। सो नॉर्मल साउंड सेटिंग मिल जाती है, डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पे हम ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वॉलपेपर आई गेस यहाँ पे चेंज हम नहीं कर सकते। सो प्ले करते हैं इस सिस्टम में एक सॉन्ग को। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, देन 2 फ्रंट ट्विटर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मीडिया में जाएंगे, एंड देन वी विल सिलेक्ट ब्लूटूथ ऑडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम USB के थ्रू इमेजेस भी व्यू कर सकते हैं, वीडियोस को भी प्ले कर सकते हैं। एंड ब्लूटूथ ऑडियो हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे हम एक सॉन्ग जो है वो प्ले कर लेंगे।
तो स्पीकर यहाँ पे काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाते हैं, इवन बेटर देन नॉर्मल बुलेरो, नॉर्मल बुलेरो से कहीं ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैनुअल एसी मिलेगा, एसी का फ्लो काफ़ी बढ़िया दिया गया है, इको एसी भी अवेलेबल है इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए तो इको एसी पे आप स्विच कर सकते हैं। देन यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा जो कि एल्यूमिनेटेड नहीं है, साथ में यूएसबी पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस, ये है गियर बॉक्स, सो रिवर्स गियर आप स्लॉट करेंगे। यहाँ पे रियर में आपको सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा नहीं दिया गया, डिस्टेंस यहाँ पे एग्जैक्टली शो करेगा इन सेंटीमीटर्स, बट कैमरा आप इंस्टॉल करवा सकते हैं 2500 में फ्रॉम द शोरूम एंड इटसेल्फ। और यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडोज, ऑटो अप एंड डाउन आपको ड्राइवर साइड यहाँ पे नहीं मिलती। देन यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलेगा, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको रियर में नहीं मिलता, लेकिन आप बाद में 250 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्लव बॉक्स दिया गया है, एंड यहाँ पे पेन होल्डर, देन यहाँ पे वैनिटी मिरर, सेंटर में 3 कैबिन लैम्प्स, ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए माइक, डे एंड नाइट IRVM। तो रियर व्यू मिरर से व्यू भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिलता है, बोन भी विजिबल रहता है, एंड यहाँ पे आप व्यू देखेंगे तो इससे भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। आर्मरेस्ट पे आप हैंड प्लेस करके इजीली गियर शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टॉयलेट सीट होल्डर भी अवेलेबल है। अब चलते हैं रियर सीट्स में चेक करते हैं, एंड यहाँ पे दोस्तों कोई भी डोर ओपन होता है तो यहाँ पे शो होगा कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है, बूट ओपन होता है तो उसका भी शो होता है। बोनेट अगर हम ओपन करते हैं तो बोनेट का यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। और ये है रियर डोर की लुक, बिग साइज की यहाँ पे विंडोज दी गई है। देन यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर, पावर विंडो यहाँ पे दिए गए हैं विच इज एल्यूमिनेटेड, यहाँ पे डोर स्कफ प्लेट, और ये है रियर सीट्स। सो फ्रंट सीट्स के बैक में यहाँ पे पॉकेट भी अवेलेबल है। देन हमें यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, सेंटर में आर्मरेस्ट, एक बिग साइज का हेलोजन कैबिन लैम्प, और ये रियर सीट आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये है डैशबोर्ड की लुक, यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं। सो ये है बुलेरो नियो के डैशबोर्ड की लुक। सो दोस्तों महिंद्रा की जो चार गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा बुलेरो, नॉर्मल बुलेरो, स्कॉर्पियो या फिर थार, इन चारों में से आप कौन सी कार लेना प्रेफर करेंगे? अगर आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है, इन चारों गाड़ियों में से आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपका वेट कर रहे हैं।